किसान कल काला दिवस मनाएंगे। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में किसानों ने बुधवार काला दिवस मनाने की चेतावनी पर SDM विवेक प्रकाश ने भाकियू प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा ने प्रेस वार्ता की। बता दें कि 26 मई को कृषि बिल को रद्द करने के आंदोलन को एक वर्ष पूरे होने पर काला दिवस 26 मई को मनाया जाएगा। किसानों ने रणनीति बनाई है, जिसके चलते उप जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने कोविड नियमों के तहत ही किसानों को काला दिवस मनाने की हिदायत दी है। भाकियू प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा ने कहा कि कोविड को देखते हुए किसान काला दिवस कोविड की गाइडलाइन से ही मनाएंगे, लेकिन अब कार्यक्रम को विभाजित कर दिया है। पड्डा ने कहा कि कार्यक्रमों में भीड़ न हो सके, इसके लिए बैरिया दौलत पन्ना खेड़ा पैरहनी केसोवाला मोड़ में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत किसान विरोध प्रदर्शन करेंगे। पड्डा ने कहा कि कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन को एक वर्ष हो गया है। कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण की तरह हुकूमत का नशा हो गया है। 400 किसान शहीद होने के बाद भी मोदी नहीं जाग रहे। मोदी को किसान के बारे में सोचना चाहिए। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की यह रिपोर्ट। ये आंदोलन काला जो काला दिवस मना रहे हैं हम, ये पूरे आह्वान है हमारे किसान मोर्चे का और पूरे हिंदुस्तान में है। काला दिवस मनाया जा रहा है, इसमें हमें खबर मिली है कि सब पार्टियों ने इसमें हमें सहयोग भी दे दिया है और हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, ये इनको इतना हुकूमत का नशा चढ़ गया है, इनकी जाग ही नहीं खुल रही। पता नहीं कितना नशा चढ़ गया इनको हुकूमत का। ये तो रावण जैसा नशा हो गया, जैसे रावण को नशा आया था ऐसे उनको हो गया है। अब हमारे किसान 6 महीने से सड़कों पर पड़े हैं, जाड़े में, बरसात में, गर्मी में। अब 400 आदमी हमारा शहीद हो चुका है, तो प्रधानमंत्री को सोच लेना चाहिए, हुकूमत का नशा उतार देना चाहिए उनको। किसानों की बात मान लेनी चाहिए, क्यों अड़ियाल इतना कर रहे हैं, हमें नहीं मंजूर उनके जो हैं। ये कोविड का ध्यान रखते हुए हमने काली प्रोग्राम बदल दिया था, पहले हमारा